नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखेंगे कुछ नए वर्ड्स, उनका मीनिंग और उनसे एक सिंपल सा सेंटेंस। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ओड, का मतलब होता है अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग और सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट, का मतलब हुआ एक ऐसी कविता जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु से बात करती है, बोलती है, या फिर एक ऐसी कविता जो सेलिब्रेट करता है किसी स्पेशल इवेंट को, तो वैसे पोएम को बोलते हैं हम ओड। इसको हिंदी में बोल सकते हैं संबोध गीत, किसी को संबोधित करते हुए लिखा गया पोएम। एक एग्जांपल सेंटेंस, किड्स ओड टू अ नाइटिंगेल इज अ लवली वर्क इनडीड। जॉन किड्स की एक कविता है ओड टू अ नाइटिंगेल, ये वास्तव में एक बहुत ही लवली कीर्ति है, बहुत ही अच्छी कविता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पीडेंट, का मतलब होता है अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन द मेरिट, का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो फॉर्मल औपचारिक नियम जो होते हैं और जो किताबी ज्ञान जो होता है उनको ज़्यादा महत्व देता है, पेज मोर अटेंशन, उससे ज़्यादा महत्व देता है जितना कि वो वास्तव में मेरिट करते हैं, जितना वास्तव में उनमें गुण है। ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं पाखंडी बोल सकते हैं, ठीक है। एक आदमी मर रहा है लेकिन नियम जरूरी है, नियम पहले होगा उसके बाद से उसके लिए जो जरूरी एक्शन है वो लिए जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को पाखंडी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो नियमों को एकदम मानता हो, अति बारीकी से मानता हो। एक सेंटेंस, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्किप दिस रिचुअल एज शी इज़ अ पीडेंट, का मतलब वह इस रिचुअल को, इस क्रिया को छोड़ने नहीं जा रही है, स्किप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक पीडेंट है, वो एक रूढ़िवादी है और वो जो फॉर्मल रूल्स होते हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है, उसको नहीं छोड़ सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोलॉजी, का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, का मतलब हुआ किसी भाषा के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का भी वैज्ञानिक अध्ययन, उसे भी हम लोग फिलोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं भाषा शास्त्र, किसी भाषा का अध्ययन। एक सेंटेंस, द फिलोलॉजी ऑफ हिंदी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वास्तव में जो हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का अध्ययन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, कैसे इसमें विदेश से, अफगान से और अरब से आने वाले व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, और कैसे कुछ अरबी और फारसी शब्द हिंदी के साथ मिलजुल गए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हिंदी भाषा का अध्ययन। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेड टेपिज्म, का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर्ड और कंप्लीटेड, का मतलब होता है एक्सेसिव पेपर वर्क करना या फिर टीडियस प्रोसीजर्स, बहुत ही ज़्यादा थकाऊ प्रक्रियाएं हैं उसकी, इससे पहले कि जो एक्चुअल ऑफिशियल एक्शन है वो भी कंसिडर किया जाए या फिर लिया जाए। तो ऐसे प्रैक्टिस को, ऐसे आदत को, ऐसे प्रथा को, ऐसे सिस्टम को हम बोल सकते हैं रेड टेपिज्म, हिंदी में बोल सकते हैं इसको लेट लतीफी। ओके, मेनी टाइम रेड टेपिज्म लीड्स टू फेटल लॉसेस, एक एग्जांपल है, कई बार ऐसा होता है कि रेड टेपिज्म होता है वो बहुत ही भारी और घातक लॉसेस यानी हानियों को ले आता है अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेटिसेंट, रेटिसेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही लाजवाब वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका मतलब होता है अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स और वन हु स्पीक्स लेस, का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनिच्छुक है लोगों को वस्तुओं के बारे में बताने का, या वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम व्यक्ति, कम बोलता है। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं अल्पभाषी या फिर बोल सकते हैं नित्यभाषी। द नेक्स्ट, इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं, आई कंसिडर ए आर रहमान अ वेरी रेटिसेंट पर्सन, का मतलब होता है मैं ए आर रहमान साहब को एक बहुत ही मितभाषी, अल्पभाषी व्यक्ति मानता हूँ। और बात सही भी है, वो काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं सिवाय बातों के। द
द नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रिलेज, का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, का मतलब होता है किसी पवित्र जगह या फिर वस्तु को बिना आदर के व्यवहार करना उसके साथ, अर्थात हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपवित्रीकरण। एक एग्जांपल, स्पिटिंग ऑन द ईडल ऑफ अ गॉडेस, आइडल ऑफ अ गॉडेस इज कंसीडर्ड टू बी अ सैक्रिलेज टू होमेज, का मतलब देवी की मूर्ति पर थूकना, स्पिटिंग इज कंसिडर माना जाता है टू बी अ सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण किसका है, होमेज, पूजा का अपवित्रीकरण माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, द नेक्स्ट वर्ड इज सोनेट, का मतलब होता है पोएम दैट हैज 14 लाइंस ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम, का मतलब एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइंस होती हैं और हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं और साथ ही साथ वो एक फिक्स्ड राइम के पैटर्न को फॉलो करती हैं, हिंदी में इसको क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चतुर्दश पदी बोलते हैं, मतलब समझ गए, 14 लाइंस होती हैं और 10-10 सिलेबल्स होते हैं हर लाइन में। एक सेंटेंस, शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी वंडरफुल सोनेट्स, का मतलब वो शेक्सपियर ने कई बहुत ही अच्छे सोनेट्स लिखे हैं। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज थियोक्रेसी, का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाई रिलीजियस लीडर्स, का मतलब होता है धार्मिक नेताओं द्वारा किसी देश का शासन, का मतलब जो धार्मिक नेता होते हैं वही देश को चलाते हैं, वही पॉलिसीज बनाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं इससे, जनरली थियोक्रेसी लीड्स टू वेरी स्लो एंड रिटार्डिंग पेस ऑफ डेवलपमेंट, का मतलब हुआ जनरली जो थियोक्रेसी होती है ये बहुत ही स्लो और रिटार्डिंग, मतलब जो धीरे धीरे और धीरे ही होते जाए टाइम के साथ, और धीरे ही होते जाए, रिटार्डिंग पेस ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास की जो गति है वो समय के साथ साथ धीरे ही होती आती है अगर थियोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, तो जनरली ऐसा होता है, इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज, इट्स जस्ट अ सेंटेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज जीनोफोबिया, का मतलब होता है फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, का मतलब होता है दूसरे देश के लोगों से डर। वाओ, एक सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट वर्क प्रॉपरली टू एलिमिनेट जीनोफोबिया फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, का मतलब वो हमारे देश के लोगों के दिल से जीनोफोबिया अर्थात विदेशी लोगों से डर को एलिमिनेट करने के लिए, मिटाने के लिए हमें अवश्य ही प्रॉपर उचित तरीके से काम करना चाहिए। सही बात है। द नेक्स्ट वर्ड इज एबोलिश, बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है और सबको इसका मतलब पता होगा आई होप, का मतलब होता है टू फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, का मतलब किसी प्रथा रीति रिवाज या फिर इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्था पर फॉर्मली औपचारिक रूप से अंत की घोषणा करना। एक इसका हिंदी मतलब होता है, आप क्या कह सकते हैं हिंदी में, समाप्त करना, मिटा देना, समाप्त कर देना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। एक सेंटेंस देखते हैं, सती प्रथा वॉज एबॉलिश्ड बाई रिग्योरस एफर्ट्स ऑफ मैनी सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ आवर कंट्री, का मतलब हुआ सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन कैसे, हमारे देश के कई सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उनके बहुत ही रिगरस अर्थात बहुत ही ज़्यादा मेहनत पूर्वक जो कोशिशें की उन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स से, उनके चलते सती प्रथा को एबॉलिश किया जा सका। सती प्रथा के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो हस्बैंड के साथ जो उनकी वाइफ्स होती थी वो भी जिंदा ही जल जाती थी, सो दैट सीम टू बी वेरी क्रूअल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो उसको एबॉलिश कर दिएगा, सही हुआ। द नेक्स्ट वर्ड इज एकम्प्लाइस, का मतलब होता है पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट क्राइम और टू डू समथिंग रॉन्ग, का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता है किसी दूसरे व्यक्ति की क्राइम करने में या फिर कुछ गलत करने में, हिंदी में इसको बोल सकते हैं सह अपराधी अर्थात अपराधी का साथ देने वाला, अपराधी की हेल्प करने वाला। एक सेंटेंस, एन एकम्प्लाइस शुड ऑल्सो गेट द सेम पनिशमेंट और सेंटेंस एज द क्राइम क्रिमिनल, का मतलब हुआ एक सह अपराधी को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कि प्राइम प्रमुख क्रिमिनल को मिलता है, ताकि लोग अपराधियों का साथ देने से भी डर जाएं। नेक्स्ट वर्ड,
द नेक्स्ट वर्ड इज एजेंडा, सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, का मतलब एक मीटिंग में, एक मीटिंग में जो भी आइटम्स डिस्कस करने हैं उनकी एक सूची, उसे बोलते हैं एजेंडा। एक सेंटेंस देखते हैं, हियर वी हैव द एजेंडा ऑफ टू डेज मीटिंग, का मतलब आज की मीटिंग का एजेंडा क्या क्या डिस्कस करना है उसकी सूची यहाँ पे मेरे पास है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, द नेक्स्ट वर्ड इज अपीयरी, का मतलब होता है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। सेंटेंस देखते हैं, मेनी फार्मर्स आर अर्निंग गुड सम बाय इंस्टॉलिंग अपीयरी इन देयर फील्ड्स अलोंग विद क्रॉप्स, का मतलब फसलों के साथ साथ एपीरी भी इंस्टॉल करना, ऐसा करके कई सारे किसान गुड सम ऑफ मनी अर्न कर रहे हैं। सही बात है, अगर खेतों में मधुमक्खी पालन की व्यवस्था की जाए तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो पोलन ट्रांसफर का काम करते हैं और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे सीधा प्रभाव पड़ता है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्वेरियम, का मतलब होता है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, का मतलब एक शीशे का ऐसा टैंक होता है जहाँ पे मछलियाँ या फिर वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, या फिर दोनों को रखा जाता है, एक्वेरियम उसको बोलते हैं। एक सेंटेंस, एन एक्वेरियम एट द विंडो साइड विल डेफिनेटली एड टू द ब्यूटी ऑफ दिस हॉल, का मतलब विंडो साइड के पास एक्वेरियम एक रख दिया जाए अगर, तो वो निश्चित रूप से इस हॉल के सुंदरता को, ब्यूटी को बढ़ा देगा, ऐड करेगा उसको। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, द नेक्स्ट वर्ड इज अथेइज्म, का मतलब होता है अ बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, का मतलब एक ऐसा विश्वास जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर अस्तित्व में ही नहीं है, ईश्वर होते ही नहीं है, अथेइज्म। हिंदी में इसको बोल सकते हैं नास्तिकता। एक सेंटेंस देखते हैं, अथेइज्म इज इंक्रीजिंग इट्स रीच इन मैनी कंट्रीज, का मतलब नास्तिकता कई सारे देशों में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी, का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, का मतलब किसी देश का शासन, शासन का जो सिस्टम है वो, शासन की प्रथा या फिर शासन का तंत्र जिसमें कि एक ही पर्सन के पास कंप्लीट पावर होता है, तो वो जो चाहे वही कर सकता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एक तंत्र बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। एक सेंटेंस देखते हैं, ऑटोक्रेसी अल्टीमेटली एम्स टू पर्सनल गेन्स ओनली, का मतलब ऑटोक्रेसी में जो भी पॉलिसीज वगैरह बनते हैं वो अल्टीमेटली पर्सनल गेन्स को ध्यान में रखते हुए ही बनते हैं, जो कई बार नुकसानदेह होता है पूरे देश के लिए, समाज के लिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, द नेक्स्ट वर्ड इज सोरली, ये एक एडवर्ब का मतलब होता है वेरी मच और सीरियसली। एक सेंटेंस इसको हिंदी में बोल सकते हैं गंभीरता से। एक सेंटेंस देखते हैं, यू विल बी सोरली मिस्ड व्हेन यू लीव, का मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सोरली, बहुत ही गंभीरता से मिस किया जाएगा, याद किया जाएगा जब आप चले जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज एवियरी, का मतलब होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है। एक सेंटेंस, टुडे वी आर गोइंग टू विजिट एन एवियरी, आज हम लोग एक एवियरी अर्थात ऐसी जगह पर घूम जाएंगे जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ओके नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज बैलाड, इम्पॉर्टेंट सीजल में आ चुका है और भी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। बैलाड का मतलब होता है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसी गीत या फिर कविता जो कि एक कहानी बताती है, बैलाड। इसको आप गाथा गीत बोल सकते हैं हिंदी में, और बेसिकली जैसे कोई मर गया है तो उसके मरने से पहले उसका गाथा गीत सुनाया जाता है कि इसने जीवन में क्या क्या किया, इसके जीवन में क्या क्या उपलब्धियाँ थी, ये सब, तो ऐसे कविता को बैलाड बोलते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, मैनी बैलाड्स हैव बीन रिटन टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मीराबाई, का मतलब जब मीराबाई मर गई थी तो उनके जीवन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके जीवन के इवेंट्स को वर्णन करने के लिए कई सारे बैलेड्स लिखे गए हैं, मतलब कि गाथा गीत लिखे गए हैं, सही बात है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बाइबलोग्राफी, सब लोग जानते हैं इसका मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाई ए पर्टिकुलर ऑथर, का मतलब ये एक लिस्ट ऑफ बुक्स को बोलते हैं बाइबलोग्राफी, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होता है या फिर पर्टिकुलर ऑथर के बारे में होता है। जैसे कि किसी इंजीनियरिंग के बुक के अंत में आप देखेंगे तो बहुत सारे राइटर्स और रेफरेंस के नाम लिखा रहते हैं, वही बाइबलोग्राफी है, लिस्ट ऑफ बुक्स। एक सेंटेंस, द बाइबलोग्राफी ऑफ द सब्जेक्ट इज़ वेरी लॉन्ग, का मतलब
इस विषय की जो बायोग्राफी है बहुत ही लंबी है आपका, मतलब इस विषय पर बहुत ही ज़्यादा राइटरों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। द नेक्स्ट वर्ड, ओके, सो 20 वर्ड्स हो गए हैं। आई होप यू हैव इंजॉयड दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।